अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि रमजान का महीना खत्म हो चुका है, तो आज है ईद उल फितर। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ज्यादा ईद मुबारक। सो गाइस, अभी ऊपर में करने आई थी अपना इंट्रो, तो अभी नीचे चलते हैं। नीचे जाके मैं आपको अपना ईद का ड्रेस दिखाती हूँ। सो गाइस, लेट्स गो। ये रहा मेरा ईद का ड्रेस, तो अभी हम करते हैं एक छोटा सा ट्रांजिशन। सो मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना मेकअप ट्यूटोरियल भी अपने ब्लॉग में ऐड किया जाए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लगाएंगे सनब्लॉक। सो गाइस, सनब्लॉक मैंने लगा लिया है, तो अब बारी आती है फाउंडेशन की। सो कंसीलर अप्लाई करने के बाद हम यूज करेंगे ब्लश। सो फाउंडेशन भी मैंने ब्लेंड कर लिया, तो अब आई आती है कंसीलर की। फ्लैश लाइट की वजह से इतना नजर नहीं आ रहा है। सो गाइस, इसके बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे शाइनर। उसके बाद हम यूज करेंगे मस्कारा। सो गाइस, मस्कारा भी डन हो चुका है, तो मैं ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं करूँगी, बिल्कुल लाइट है। तो अब हम लगाएंगे लिपस्टिक बिल्कुल लाइट से शेड। हाफ ट्यूटोरियल अपने ब्लॉग में ऐड करूंगी, क्योंकि ब्लॉग की वजह से जो है ना मेरा मेकअप सही नहीं था, और अब बार बार कैमरे की तरफ देखना और उसकी वजह से जो है ना मतलब कि मेकअप इतने अच्छे तरीके से नहीं था हो पा रहा, तो इस वजह से मैंने अपना ब्लॉग वहीं स्टॉप किया और अपना मेकअप कंप्लीट किया। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अब मैं आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैं मन ता भी कर कर हजारा कितियां, ते तारे आंदे हथ तेनू भेजा चिट्ठियां। तू ले जा मैनू नाल नाल जहान तो परां, ते तेरे जे फाइनल लुक आपने देखी है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी मेरी फाइनल लुक। तो अभी हम चलते हैं अंदर, खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, तो उसके बाद देखते हैं हमारा आगे का क्या प्लान है। सो गाइस, मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आप अपना होम टूर करवाएं, तो मैं इंशाल्लाह अपना होम टूर करवाऊंगी। आप जल्दी से मेरे 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर, उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपना होम टूर करवाऊंगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आप सबकी ईद कैसी गुजर रही है। वगैरह मैंने खा लिया था, तो उसके बाद मैं गई मार्केट, लेकिन जो मैंने वहाँ व्लॉग रिकॉर्ड किया था, कैमरा वगैरह ऑन था, लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं थी हो रही। मेरे साथ तो मोए मोए हो गया।
तो अब मुझे घर आई हूँ तो अब मुझे पता चला है हमारे घर में आने लगे हैं मेहमान, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने मेकअप को थोड़ा रिन्यू किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मेकअप लाइट हो रहा है। मैंने कहा इससे पहले मेहमान मुझे देख कर डर जाए, तो क्यों ना हम अपने मेकअप को जो है वो रिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद मामा के साथ जो है वो किचन में थोड़ी सी हेल्प करवाऊंगी, बिकॉज मामा की हेल्प करना भी ज़रूरी है। सो चलते हैं, अब मेकअप को रिन्यू करते हैं, उसके बाद मामा की हेल्प करवाते हैं। A few moments later. तो गाइस मेहमान वगैरह आ चुके थे, तो अब हम यहाँ आए हैं अपने गांव की फेमस प्लेस हॉस्पिटल में, हम यहाँ फोटो शूट करने आए हैं। सो गाइस अभी मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ, ये हॉस्पिटल बहुत ही प्यारा है, तो ये बहुत 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 ही प्यारी जगह है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, तो अभी हम जाते हैं अंदर। मुझे नहीं पता, तो अब हम यहाँ आए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ इतने प्यारे प्यारे पौधे, हर फ्लावर के यहाँ जो है वो पौधे लगे हुए हैं, तो अभी हम जो है यहाँ पे फोटो शूट करेंगे। तुम लोग किधर से जा रहे हो? इधर से आना था ना? अभी जैसा कि आज ईद है, तो इस वजह से मतलब कि हॉस्पिटल बिल्कुल खाली है, कोई जो है डॉक्टर वगैरह नहीं आया, छुट्टी है सबको आज ईद की वजह से। फोटोशूट स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मेरी पिक्स या वीडियो बनाने के लिए यहाँ कोई भी एग्री नहीं है। मेरी भी बना दो। फोटोशूट हमने कर लिया, तो अभी मैं आपको जल्दी से हॉस्पिटल का थोड़ा सा टूर करवा देती हूँ, तो उसके बाद हम चलते हैं घर। One eternity later. गाइस तो जब मैं फोटो शूट करके आई, तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गई थी, क्योंकि मैंने हील वाला जूता पहना हुआ था, और उधर से इतना ज्यादा चल के आने के बाद मुझे भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जो है वो व्लॉग आगे कंटिन्यू कर सकूं, कुछ भी बोल सकूं। मेरे मतलब कि उठने तक की हिम्मत नहीं थी मुझ में, तो फिर मैंने रेस्ट किया थोड़ा सा, सोई में थोड़ी देर। तो अब जो है मैं अपने व्लॉग को यहाँ ही एंड कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबकी ईद कैसे गुजरी। सो गाइज मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।